कलर प्रेडिक्शन गेम, एक ऐसा गेम जो आपके पैसे को 10 गुना देता है, वो भी मात्र 3 मिनट में। और एक बात ये भी है कि इस गेम में 75% लोग अपना पैसा डुबा के जाते हैं और मात्र जो 25% लोग बचते हैं वही इसमें से पैसे निकाल पाते हैं। इस 75% लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, और 25% वे लोग हैं जो अपने आप पे काबू पा लिए हैं, अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, अपने अंदर लालच को आने नहीं देते हैं। क्योंकि गेम है तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, जो भी इस पे अपने आप पे कंट्रोल करके खेलेगा वही पाएगा, बाकी 75% डुबा के जाओगे, इतनी गारंटी दे रहा हूं। तो खेलने से पहले कुछ सावधानियां हैं जिसको आप समझ लीजिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं 1 सेकंड का बता दूं, इसमें क्या होता है कि एक रेड कलर होगा, एक वायलेट होगा और एक ग्रीन होगा। रेड कलर कब आता है? जब 2, 4, 6, 8 इवेन नंबर आते हैं तो रेड कलर आता है। जब ऑड नंबर आते हैं 1, 3, 7, 9, तो इसमें क्या आता है? ग्रीन आता है। 0 और 5 को छोड़ के, 0 और 5 पे वायलेट कलर आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ग्रीन और रेड पे यदि आप पैसे लगाते हैं, रेड और ग्रीन पे, तो आपको 2x मिलेगा, यानी आप जितना भी लगाए हो उसका 2 गुना दिया जाएगा, 5% कमीशन काट के। अगर आप वैलेट पे लगाए हो तो आपको 5 गुना मिलेगा, 5x मिलेगा, वो भी मात्र 3 मिनट में रिजल्ट आ ही जाते हैं। अगर आप 1 से लेकर 9 तक के किसी नंबर्स पे लगाते हैं पैसे, 1 से लेकर 9 तक के किसी नंबर पे अगर आपने लगा दिया पैसा, तो क्या होगा? आपको 10x मिलेगा, यानी 10 गुना मिलेगा। यानी अगर आपने किसी नंबर पे 100 रुपए आपने लगा दिया, तो 3 मिनट में रिजल्ट क्या होगा? आ जाएगा और आपको 1,000 मिलेगा, 1,000 मिलेगा, आता है, मिलता है। लेकिन इसमें कुछ गलतियां होती हैं जिसको आपको नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहला, देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, पैसे मान लीजिए आपने 1,000 लगा दिया, 1,000 आपने लगा दिया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत पे डायरेक्ट एक ही बार में सोचते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। वे लोग क्या करेंगे, 1,000 रुपए ऐड करने के बाद तुरंत 1,000 रुपए लगा देते हैं। तो भाई वे लोग तो भैया वैसे लोग 1 लाख में एक लोग मिलते हैं जो पहली ही बार लगाए और पहली ही बार इसका 10 गुना आ गया, यानी 10,000 आ गया। तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि अगर आपने 1,000 वैलेट में ऐड किया तो 1,000 पूरा का पूरा दाव खेल लीजिए। इतनी अच्छी किस्मत आपकी है तो ठीक है, मेरी तो नहीं है इतनी अच्छी किस्मत। उसके बाद से अगर आप आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गए काम से, डूब गया 0, उसके बाद नाम नहीं लोगे खेलने का और कहोगे गेम ये है वो है, तो भाई अलग बात है। पहली ही बार में पूरा पैसा कभी लगाना ही नहीं चाहिए। अगला काम इसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं ज्यादातर जब पैसे लगाते हैं वे लोग क्या करते हैं, जीतते हैं, मान लीजिए जीत रहे हैं, 2, 4 बार जीत गए, तो उसके बाद रुकते नहीं हैं और जीतने का साहस करते हैं, सोचते हैं और जीत लें, और जीत लें, और जीत लें, जिसके बाद पैसे तो आ जाते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए लगाए, आप 15,000 नहीं 20,000 जीत जाओगे, 20,000 जीत जाओगे, लेकिन उसके बाद ये लोग शुरू करते हैं 10 रुपए से और अंत करते हैं 1,000 रुपए 10,000 से। जैसे 10 रुपए लगाए 100 रुपए आया, 100 रुपए लगाए 1,000 आया, 1,000 लगाए 10,000 आया, अब 10,000 लगा दिए एक ही बार की 1 लाख आएगा, पता चला खत्म। ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा है कि आप देखिए इसको खेलने का एक सही समय होता है। कुछ लोग क्या करेंगे, पूरा दिन लगाएंगे पैसे, पूरा दिन आपको पैसे नहीं लगाने हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आप लगाओगे पैसे, कुछ और लोग जब तक 400-500 लोग एक साथ जोड़ के पैसे नहीं लगाएंगे तब तक कोई मतलब ही नहीं है। मान लो आप लगा रहे हो पैसे, आप अकेले हो, तो इस गेम का रूल ही यही है कि जिस कलर या जिस नंबर पे पैसे कम लगे होंगे वही कलर आपका सेलेक्ट होगा। तो हो सकता है कि
कि आप जिस टाइम खेल रहे हो उस समय केवल आप ही एक्टिव हो और कोई दूसरा एक्टिव आपके साथ ना हो। या तो मान लीजिए 20-25 लोग खेल रहे हैं तो उसमें से क्या गारंटी होगा, दो लोग एक पे लगा दिए बाकी लोग इसमें लगा दिए, मान लीजिए दो लोग इस ग्रीन पे लगा दिए बाकी लोग इस रेड पे लगा दिए, तो जाहिर सी बात है एक पे लगेगा, एक ही आएगा, क्योंकि इसमें जिस भी कलर या नंबर पे कम पैसे लगे होते हैं वही कलर या नंबर शो होगा, उसी को जिताया जाएगा। इतनी बात क्लियर है, जो भी है क्लियर सुनिए। आपको खेलने का सही समय क्या होता है, शाम को। शाम को जब भी खेलें आप, शाम को 5 बजे के बाद खेलें और 11-12 बजे तक खेल सकते हैं। 11 बजे तक उससे ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, 5 से 11 PM, इससे ज्यादा या इससे पहले मत खेलिए, क्योंकि इससे पहले कोई यूजर एक्टिव नहीं होता है। बहुत कम लोग इससे पहले 11 बजे के बाद और 5 बजे के पहले बहुत कम लोग खेलते हैं। तो इस समय 5 बजे से 11 बजे के बीच के समय को छोड़ के जो भी समय है उस समय कम यूजर इसमें पैसे लगाते हैं और उस समय आपका पैसा डूबने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जब भी खेलिए, मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूं, गेम खेलने से नुकसान ही होगा इतना समझ लीजिए, और गेम का आदत अपने अंदर मत डालिएगा। 5 बजे से 11 बजे के बीच में ही खेलेंगे तो ज्यादा संभावना होगी। और हाँ, ये मत सोचिए कि हमने 100 रुपए लगा के 5,000 या 10,000 बना लिया तो इसको हम 1,00,000 में बदलें। तुरंत क्या कीजिए, विड्रॉल कर लीजिए, निकल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके वैलेट में यदि देखा जाएगा कि आपने 1,000 रुपए लगाए हैं और 1,00,000 की निकासी कर रहे हैं तो आपका अकाउंट ये सब क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। कर क्या पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए 1,000 रुपए लगाए हो, अगर आप 10,000 बन जा रहे हैं तो आप उतना निकाल लो, उसके बाद से नए नंबर से फिर आईडी जनरेट कर लो, ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। जो भी आ रहा है उसको निकाल के किनारे हो जाओ। ज्यादातर लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर मेरा 10,00,000 रुपए फंसा हुआ है। 10,00,000 वास्तव में फंसा है लोगों का। ये लोग वही लोग हैं जो लोग 10,000 लगाए होते हैं, खेलते खेलते जीतते हारते पहुंचा लेते हैं, जबकि एक भी पैसा इसमें से ट्रांसफर नहीं किए रहते हैं या 1-2 बार निकाल चुके होते हैं। तो भाई उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये 2-3 गुना मिल गया तभी निकल लो, उसके बाद लालच नहीं करना है। उसके बाद ये पैसा आपका है लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में नहीं है, एक बस नंबर आपके लिए है, बस मन की संतुष्टि के लिए है। तो आपके लिए खेलने का सही समय यही होता है, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का। इसके बाद अगर खेल रहे हैं, पहले खेल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। लालच करोगे तो हारोगे ही हारोगे, गारंटी है। कभी भी ज्यादा लालच नहीं, 1,000 रुपए लगाए हो, 4-5,000 आ जा रहे हैं, निकाल के किनारे हो जाओ। ज्यादा लालच करोगे फंस जाएगा, एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोगों का यही कहना है, यही कमेंट है कि सर मेरा पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। इसलिए खेलिए, खेलना पाप नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा खेलना पाप है। अपने अंदर में इसको समाहित करना पाप है कि हमने 1,000 रुपए लगा दिए, हार गए, फिर 1,000 रुपए लगाऊं, नहीं, बस वहीं पे स्टॉप, 1 रुपया नहीं लगाना है। 1,000 रुपए लगाए, 1,000 रुपए आपने जीत लिया, 1,000 रुपए ट्रांसफर कर लीजिए, फिर खेलिए, क्योंकि उस समय आपका पैसा नहीं लगा। निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात ही नहीं, बस टाइम पास हो रहा है। गेम होता है यार टाइम पास के लिए। गेम किस लिए बना है, गेम ज्यादातर टाइम पास के लिए बना है, आप फ्री हो। लेकिन यहां पर तो गेम को जुआ बना दिए हैं लोग, जब देखो तब बस पैसे देखना है, जीतना है, करोड़पति बनना है। तो आप में से ही लोग 75% लोग इसमें अपना पैसा दे के जाते हैं, जो कि नए नए लोग होते हैं तुरंत सोचते हैं कि हम 3 ही मिनट में आज ही करोड़पति बन जाएंगे। तो भैया दे के जाओगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। इसमें समझना होता है, देखिए लक बाय चांस हो सकता है, मान लीजिए 20 यूजर एक साथ एक्टिव है, अब उसमें आपको समझना है कि कौन से कलर पे कम पैसे लग सकते हैं। ये गेस आपका जब बैठ गया तो गारंटी के साथ देता हूं कि आप 10-12 चांस जीत ही जाओगे, लेकिन उसके बाद अगर एक मिस हुआ तो समझ लीजिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप गेस काम नहीं करेगा, अगले दिन का इंतजार कीजिए। इसमें गेस होता है कि अगर हमने सोच लिया कि यार पहली बार 2 आया है,
इस समय लोग दो पे पैसे लगाएंगे, यानी रेड पे पैसे लगा सकते हैं या ग्रीन पे। आप अंदर जो सोच रहे हो उससे अगर मिल गया, किस्मत अच्छी है तो मिलेगा, नहीं किस्मत अच्छी है तो गया खत्म। ये किस्मत वाली बात है, इसमें मेहनत किसी काम का नहीं आता। बस आपका गेस जब बैठ गया तो चार पांच बार बैठ जाएगा, डिस्टर्ब हो गया तो 10 बार 20 बार खेलते रहो, नहीं बैठेगा। ठीक है, इसमें किस्मत है, आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रेरित नहीं कर रहा हूं, खेलना हो खेलिए, नहीं खेलना हो मत खेलिए। ठीक है, धन्यवाद।